Good morning. Good morning, guys. मैं आज एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाली हूँ, ज्योग्राफी. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. पता नहीं क्यों, नया टॉपिक जब शुरू करते हैं ना तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है अंदर. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो हेलो एवरीवन, आज मेरे 10 आवर रेजोल्यूशन का 12वां दिन है. और आज क्योंकि मैं ज्योग्राफी उठा रही थी तो सबसे पहले तो मैंने अपनी बुक्स को ढूंढ के निकाला और अपना टेबल सेट किया, क्योंकि मुझे इकोनॉमी की बुक्स वहां से हटानी थी. और उसके बाद मैंने 15 दिन का ज्योग्राफी का प्लान बनाया है, जिसमें मैंने 5 दिन तक डिसाइड किया है कि मैं 6th to 10th की एनसीईआरटी कम्प्लीट करूंगी और उसके बाद फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ूंगी. हेलो गाइस, 9 बज गए हैं और मैं फाइनली फ्री हो चुकी हूँ. एक्चुअली मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं अपने फोन से ही पढ़ रही थी आज. और आज मम्मा भी बहुत लेट जा रहे हैं स्कूल क्योंकि छुट्टियां पड़ गई है सब बच्चों को. हेलो मम्मा जी. और ये देखो तन्मय रितु भी खेत से आ गए हैं. आज चल गए तुम जल्दी कुछ खेत. तो गाइस रितु बता रही है तन्मय की प्लेलिस्ट कैसी होती. रितु तन्मय की प्लेलिस्ट है जैसे या तो है बहुत ज्यादा प्रेम पाश में डूबा हुआ, बहुत डीप, या तो अगले दूसरे ही पल उसका ब्रेकअप हो गया, बहुत डीप ही तरीके तन्मय ऐसी प्लेलिस्ट. हां ओ तन्मय, एक बात सुन, रितु पीछे से हो तू, तेरी प्लेलिस्ट क्यों ऐसी है. तुम लड़के रिलेशन में तो हो नहीं, फिर रिलेशन में तो हाँ है नहीं, फिर क्यों है भाई. तो दुख भरे तू है जैसे ऐसे तेरा ब्रेकअप होके हो गया. दुख भरे नहीं, कोई भी नहीं, कुछ क्यों नहीं दीदी है. मैंने भी सुना, मैं भी सुनती रहती वॉशरूम में होते तुमने लगाया. सो हमारी माइंड का रेस्टलेस होना ना हमारे माइंड में चल रहे बहुत सारे थॉट्स पे डिपेंड करता है. इसीलिए मेडिटेशन में जब हम किसी एक चीज पे फोकस करते हैं अल्टीमेटली वो थॉट्स बंद हो जाते हैं और हमें बहुत रिलैक्स फील होता है. यार मुझे ना अभी इतना रिलैक्स फील हो रहा है सच में मेडिटेशन करके, क्योंकि मैं ना सुबह से बहुत उलझी हुई थी कि मैं क्या करूँ, नोट्स बनाऊँ सबके, जितना मैं 6th to 10th जो मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, और या फिर 11th 12th की पहले पढ़ूँ या यही पढ़ूँ. और ये मेरी पानी की बॉटल, मैं आजकल पानी की बॉटल मेंशन करना रोज भूल जाती हूँ, बट मैं आज से ध्यान रखूँगी कि मैंने कितनी पानी की बॉटल पी है, वो आपको बताती रहूँ. और यस let's start or let me first decide ki main ab kya karungi. I'll let you know. In case you guys wants to know that how I'm making my notes, so मैं बहुत छोटा छोटा लिखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि एक पेज में ही अपने पूरे चैप्टर को नोट डाउन कर लूँ. और फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 11th 12th ही पहले पढ़ूंगी और 6th to 10th बाद में पढ़ूंगी, और उसमें मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लगेगा तो अपने 11th और 12th के नोट्स में ही नोट डाउन कर लूंगी. Guys, 1:40 हो रहे हैं, मैं 3.5 घंटे से वैसे तो बैठी हूँ, बट मैं बीच में फ़ोन वोन छेड़ रही थी इसलिए फिर मैंने अभी थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई कर ली, क्योंकि मुझे वो सेटिस्फेक्शन अंदर से नहीं आ रही थी. और अब मैं रेस्ट करूँगी. सो मिलती हूँ बाद में. तो अभी कुछ सब्जी वब्जी कुछ नहीं बची है, तो मैंने ये घी में नमक डाल के रोटी के साथ खाऊँगी मस्त एकदम. तो गाइस पहले ना मैं एक ही भटूरा लेके आई थी, मुझे लगा मेरा उससे हो जाएगा, बट अब मैं दूसरा भी लेके आ गई क्योंकि मेरा उससे कुछ नहीं हुआ. सो गाइस आज भी मुझे नींद आ रही थी बट मैं अपने आप को सोने नहीं दूंगी, इसीलिए मैं बना रही हूँ नींबू चाय, गरम गरम चाय. क्योंकि अगर आज सो गई ना फिर ये रोज की हैबिट बन जाएगी और मैं सोने नहीं दे सकती. सो Guys,
मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे ना अभी बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि जैसे मैं अपना ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, मैंने एनसीईआरटी के नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं, बट वो मेरे अभी किसी काम नहीं आ रहे. क्यों? क्योंकि मैंने ना उनको, पता है, मैंने लिखा तो सही है, पर जो समझने के बाद उसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कहीं कहीं लिखा है, आप समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ताकि मैं उसको जब फिर से रिवाइज करूँ तो समझ पाऊँ. बट ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि यूपीएससी एग्जैक्ट जो बुक्स में लाइन्स दी होती हैं उनको उठा के डाल देता है, और आपको नहीं समझ आएगा अगर आप अपने नोट्स वैसे बनाओगे तो. और उनको किताब की वर्डिंग्स को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि इसी से प्रिलिम्स के लिए क्वेश्चन बनते हैं. सो प्लीज डू दिस गाइस. अभी अभी तन्मय मेरे रूम पे आया और मुझे इतना मार के गया है, क्योंकि इसने कल वाली वीडियो अभी देखी, तो जिसमें इससे पता चला कि मैंने अकेले मैगी बनाई थी. तेरे को अभी तक पता ही नहीं चला. अगर क्योंकि सबसे ज्यादा भुक्कड़ हमारे घर में यही है और इसको पता ही नहीं है, इसने अभी अभी देखा. सब कटाई में आएगा क्या? सब कटाई में आएगा क्या? बोला यार मैंने क्या किया ये. गाइज ये मम्मा सिला रहे हैं. ये ना हमने किचन के लिए बोग लाया है, किचन में इसको लगाएंगे, ये गरम वाला कपड़ा है. फाइनली बना दिया मम्मा ने, देखो कैसे लग रहे हैं, हमें दिखा दीजिए. अबे मम्मा गरम, ये देखो, ये इसका कपड़ा भी मोटा है काफी. दिखेगी थोड़ा धूला धूला गया ना तो सब दिखना नीचे. गाइस अभी पहले दिन की चांदनी है, देखते हैं तन्मय जी इसका क्या हाल करते हैं. कॉपी चेक करते हैं मम्मा. दिस इज माइन. और मम्मी कैसी हैंडराइटिंग? ठीक है हैंडराइटिंग चेक? हैंडराइटिंग ठीक है. मैं ये बताओ सबके हैंडराइटिंग किसकी है? मैं की जगह मुंह लिखा मम्मा. किसने ये तो बताओ हैंडराइटिंग किसकी अच्छी? में बैठने आ गई हूँ. वैसे तो एक ही घंटा बचा, बिकॉज मैंने 9 घंटे की पढ़ाई ऑलरेडी कर ली है, बट स्टिल मैं बैठूंगी अभी 2 घंटा, क्योंकि बहुत पढ़ने के लिए बचा है मेरा. सेटिस्फेक्शन नहीं है मुझे कि मैंने इनफ पढ़ा है. इनर